मैं शुरुआत मनोज जी आपके साथ कर रही हूं। जब अखिलेश जी कहते हैं कि बात सीट का नहीं, बात जीत की है, तो वो मान रहे हैं कि जीत कांग्रेस पार्टी अपने दम पर नहीं दिला सकती है, तो उन्हें उनसे किनारा कर लीजिए। सुचारिका, उन्होंने तो बात बिल्कुल सही कही कि बात सीट की नहीं है, बात जीत की है। और एक बात उन्होंने और कहा कि ये लड़ाई संविधान बचाने की है, बाबा साहब डॉक्टर लोहिया श्रद्धेय नेताजी के और पूज्य गांधी के सपनों को बचाने का है, उनके सपनों का जो भारत था, उनके सपनों का जो मुल्क कैसा रहे, हमारा आपसी सौहार्द कैसे बना रहे, इसको बचाने का भी ये चुनाव है। ये चुनाव का अगर सांकेतिक महत्व आप समझी रही होंगी कि 2027 से लोग जोड़ के देखेंगे, और तो वो वही होने वाला है उत्तर प्रदेश में जो अभी लोकसभा के चुनाव में हुआ। चूँकि 7 की 7 सीटों पर 9 में से अगर 7 सीटों का आप अध्ययन करेंगे तो उस पर 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की स्वभावता बढ़ा था। और उत्तर प्रदेश का जनमानस वो जान रहा है कि बराइत में दंगाई कौन लोग हैं, दंगा कौन करा रहे हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक ही कह रहा कि नहीं, दंगा कराने वाले असीम से ज्यादा अरुण थे, कोई शुभम शुक्ला थे, कौन कौन लोग थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर वहां के स्थानीय विधायक ने मुकदमे कराया। उत्तर प्रदेश के लोग उपचुनाव में देखेंगे कि अरे 22,000 दलितों पिछड़ों का हक कौन खा गया, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक भर्ती कौन होने नहीं दे रहा, उत्तर प्रदेश में किस मुख्यमंत्री के स्वजाति गुंडों को संरक्षण है गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर कर, कि भाई उनके स्वजाति गुंडे चाहे जो करें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो उत्तर प्रदेश में लोग जान रहे हैं, और 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी और पीडीए के अवधारणा के साथ इसलिए लोग खड़े हैं क्योंकि जानते हैं कि उनके उनके बच्चों के हाथों नहीं। वही तो मैं कह रही हूँ, आप ये सीधे कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ लोग खड़े हैं। गठबंधन तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का था, और सवाल मेरा यही था कि आपने भी मान लिया कि कांग्रेस अपने बूते पर नहीं जीत सकती है, इसीलिए तो किनारा किया। पहले 5 सीटें, फिर 2 सीटें, अब तो 0 ही हो गई। उन्होंने कहा आप ही लड़ लीजिए, हमें रहने ही दीजिए, 2 भी मत दीजिए भाई, हम अपने सिंबल आपका सिंबल क्या यूज करेंगे, आप ही लड़ लीजिए 9 की 9। तो फिर यही हुआ ना। हाँ, आप सवाल बहुत सही कर रही हैं, और आपके सवालों से बस यही कहा, समाजवादी पार्टी तो आपको न जेल भेजवा सकती है और न आपको सवाल करने पर कभी रोक लगा सकती है, वो बीजेपी ही कर सकती है। आप सवाल पूछिए, लेकिन उनसे सवाल पूछिए कि जो कह रहे थे कि 80 के 80 जीतेंगे। अच्छा। अब उत्तर प्रदेश में कहाँ है उनका 27 घमंड, उस पर नकेल कसने का काम किसने किया? निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी के पीडीए की अवधारणा ने करा है। उत्तर प्रदेश के लोग तो जान रहे हैं ना, हम तो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, और चुनाव लड़ना ही सब बात थोड़ी होती है। मनोज जी, बड़ा अच्छा है कि आप मुझे सवाल पूछने पर जेल नहीं भेजेंगे, ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा। मैं गुरु प्रकाश जी से भी पूछ लेती हूँ, ऐसा ना करें वो। नहीं, ये बड़ा अच्छा लगता है। पत्रकारों को तो थोड़ी थोड़ी चीजों पर ये धमकियां मिलने लगती है कि कहीं कोई जेल ना भेज दे, कहीं कोई सवाल ना पूछ ले। हाँ, नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ। मुझे पता है कि आप अच्छी मंशा रखते हैं, पत्रकारों को लेकर आप ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे। एक मिनट, मैं एक बार जरा गुरु प्रकाश जी के पास जा रही हूँ। गुरु प्रकाश जी, जरा बता दीजिए भाई, यूपी टू महाराष्ट्र ये हो क्या रहा है? हम सोच रहे थे कि सबसे बड़ी पार्टी है, और यहाँ पर प्रेम जी बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, लेकिन वो जूनियर पार्टनर बनती जा रही है। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के सामने डायरेक्ट टक्कर में है। उन्होंने कह दिया कमजोर कड़ी को आउट करो, बाहर करो। नहीं नहीं, सोचा कि समाजवादी पार्टी यहाँ पे बहुत अकलमंदी का काम कर रही है। जैसे ही हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हुआ, उसके अगले दिन समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। उसे ये साफ साफ दिखता है, उसे ये स्पष्ट हो गया कि समाजवादी पार्टी का कांग्रेस पे भरोसा नहीं है। हाँ। और उत्तर प्रदेश की जनता का भी कांग्रेस पे भरोसा नहीं है। कम से कम समाजवादी पार्टी जो यूपी के लड़के तथाकथित साथ आए थे सरकार बनाने के लिए 2017 में, आज भी हमें याद है कि 2017 में लोग आए थे, राहुल जी अखिलेश जी ने ऐसे हाथ हिलाया था बस पे खड़े होकर के, लेकिन इसी यूपीए के पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक सभी भाइयों ने इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया है। ये बार बार पीडीए की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, इनको उम्मीदवार कौन मिला? आखिरकार मुलायम सिंह यादव जी के परिवार का ही व्यक्ति मिला। एमपी बनाना हो तो डिंपल यादव जी बनेंगी, मंत्री बनाना हो तो रामगोपाल जी बनेंगे, यहां संगठन में बनाना हो तो शिवपाल यादव जी बनेंगे। देखिए, इनके पीडीए की जो अवधारणा है उसमें परिवार प्रथम है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। भारतीय जनता पार्टी को जब मौका मिलता है तो आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार, सुचारिता हम बताना चाहते हैं आपको, तीन तीन दलित समाज
की महिलाएं कैबिनेट में मंत्री बनती हैं, इनके यहां मंत्री कौन बनता है, वही परिवार का व्यक्ति बनेगा। तो मुझे लगता है कि पीडीए पे, अल्पसंख्यक पे, पिछड़ों पे, दलितों पे, आदिवासियों पे कम से कम समाजवादी पार्टी को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। एक बार सुचारिता, पूरे भारत के इतिहास में एक बार अनुसूचित जाति के आरक्षण को समाप्त किया गया है। पता है आपको, एससी समाज को प्रमोशन में आरक्षण मिलता था, समाजवादी पार्टी ने समाप्त करके महापाप किया है। और आज बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेते हैं, यही बाबा साहब अंबेडकर के लिए इनके वरिष्ठ नेता आजम खान साहब ने क्या कहा था, ये देखो देश के सबसे बड़े भू माफिया हैं। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी आज भी शुद्ध रूप से परिवार के आगे देखने में असमर्थ है। और जहां तक यूपी की बात है, हम बता देना चाहते हैं, 2014 का लोकसभा चुनाव तो बीजेपी, 2017 का विधानसभा चुनाव तो बीजेपी, 2019 का लोकसभा चुनाव तो बीजेपी। हां, निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, लेकिन हम उसमें काम कर रहे हैं। हमारे पास योगी आदित्यनाथ जी का करिश्माई नेतृत्व नहीं, गुरु प्रकाश जी, ये तो देखिए आप, सीधी सीधी रिपोर्ट कार्ड है, अब ये सीधी सीधी रिपोर्ट कार्ड है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, ये योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव, ये डायरेक्ट फाइट है यूपी में। अब जो भी नतीजे आएंगे वो रिपोर्ट कार्ड में टिक मार्क होगा, उस तरह से लग रहा है अब, क्योंकि अब दोनों ही जो महारथी हैं वो ऐसे तलवारें लेकर खड़े हो गए हैं, ये दिख रहा है यूपी में। योगी आदित्यनाथ भी फुल एक्शन में, और वहां अखिलेश जी भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, वो हर हर बयान पर रिएक्शन भी देते हैं, फुली एक्टिव वो भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें सीधी तस्वीर ये है कि इस तस्वीर के बीच से कांग्रेस पूरी तरह गायब है। शांतनु जी आ गए हैं, शांतनु जी जरा मुझे बताइए कि ये जो तस्वीर है इससे कांग्रेस पूरी तरह से गायब हो गई, और ये जो बीजेपी ने एक तंज कसा है, मैं एक बार जरा एक खबर बता देती हूँ, बीजेपी का एक आरोप आया है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को तो अपना कार्यालय भी सपा को दे देना चाहिए, कह रही कांग्रेस अपना सिंबल भी समाजवादी पार्टी को सौंप दे। अब सब यूपी में सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, तो इससे बुरे दिन कहां थे, तो आप सब कुछ ही सौंप दो, आप सिंबल भी दे दो, आप ऑफिस भी दे दो, अब बचाई क्या है यूपी में आपके लिए। यूपी के लिए इस उपचुनाव का महत्व सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, शांतनु जी ये सब समझ रहे हैं, क्योंकि यहां जो नतीजे आएंगे उससे 27 का भी भविष्य तय होगा, यह भी साफ नजर आता है। देखिए सुचारिता जी, भारत में हम लोग हर इलेक्शन को इतनी इतनी जोर से लेते हैं कि चाहे कोई भी इलेक्शन हो उसको बिल्कुल, चाहे म्युनिसिपल का इलेक्शन हो, वो किसी ना किसी पे तो वर्डिट होता है। देखिए 2024 में भी आपके साथ डिबेट में आता था, मैं कहता था इंडी गठबंधन कुछ है भी नहीं, मतलब वेस्ट बंगाल में आप अलग लड़ रहे हैं, आप पंजाब में अलग लड़ रहे हैं, आप केरला में अलग लड़ रहे हैं, तो वो गठबंधन था भी नहीं वो किसी तरह से। लेकिन हम क्योंकि आपको नाम देना था उसको एनडी गठबंधन कह दिया, वो बहुत सारी जगह अलग अलग लड़ते ही थे, तो अब वो अलग होने लगे। कांग्रेस एक अम्ब्रेला, देखिए आपको कोलिशन के लिए अम्ब्रेला चाहिए, जैसी वो अम्ब्रेला भी हुआ, हरियाणा में हारे ठीक है, अब जाओ तुम बाहर, वहां सामना में पत्र लिख गया आपके खिलाफ, आप अखिलेश जी ने आपको पहले का दो सीट महाराष्ट्र में सीट दो। देखिए अब जैसे ही समाजवादी पार्टी तीसरी पार्टी बन गई है ना, वो अपने आपको वो तीसरी पार्टी बोलने लगे, तो अखिलेश जी के पोस्टर जो आप देखिए उत्तर प्रदेश में, हाँ। तो लगता है भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को बधाई, डिंपल यादव जी भावी मुख्यमंत्री, उनका तो समीकरण ही चेंज है, वो तो राहुल गांधी को टक्कर दे रहे हैं, कह रहे तुम कहा भाई मैं हूं अब, तो वो अब इंडी गठबंधन का नेता कौन बनेगा उसकी लड़ाई है यहाँ पर। बाकी काका जी ने कहा कि भाई ये प्रश्न पूछने देंगे, अभी पिछले 3 हफ्ते के 2 इंडिकेटर के बयान बनाओ, अभी कल ही सुप्रिया सरेन जी ने चैनल में प्रेम शुक्ला जी का, प्रेम शुक्ला यूपी में आओगे तो पीटे जाओगे, चैनल में लाइव कैमरा में सुप्रिया सरेन कह रही है इंडिकेटर की। सुनील साजन इनके दूसरे प्रवक्ता है, उन्होंने कहा दूसरे चैनल के प्रवक्ता एक चैनल के एंकर को कि हमारी सरकार बनेगी तो फर्जी केस में चैनल से उठवा देंगे, और वो चैनल में अभी भी चैनल घूम रहे हैं। अखिलेश जी ने कुछ नहीं कहा उनसे, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, तो बहुत चक्र है, आप हमारी गुंडागर्दी की प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं, ये तो समाजवादी पार्टी की है, अब सुप्रिया सरेन भी हो गई, तो ये ऐसा नहीं है। अब जैसी सरकारें इनकी आती हैं हमने देखा है कि पत्रकारों के ऊपर क्या होता, हाँ। तो देखिए यह उपचुनाव इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 9 सीट का है, क्या पता मिल्कीपुर का भी तब तक केस आ जाए और पढ़ना आ जाए, 10 सीट पर चुनाव हो। और पर काका जी तो अभी कह रहे थे सुचरिता, आपने सवाल पूछा है आपको इसके लिए कुछ कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपके ऊपर कोई किसी तरह का कोई केस नहीं होगा, अभी तो काका जी ने यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड कह दिया, काका जी आपका बयान मैं सेव करके रखूंगी, कोई इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए।